भाई का इंतजार तो कर लेते हैं, हम सब इंतजार कर रहे हैं उसका खाना खाने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुरू करो, हम इंतजार कर रहे थे। शुरू तो हो चुका। रोहेल बेटा, तुम्हारा तो ऑफिस जाना बहुत मुबारक साबित हो। अच्छा, वो कैसे? तुम्हारी मम्मी आज तुम्हारी शादी की डेट पक्की कर गई। अरे भाई, छक्के तो रोहेल को छूटने चाहिए थे, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे हाथ से क्यों कांटा छूट गया? कुछ नहीं, वो बस गले में लग गया। अबू, वो शादी इतनी जल्दी कराने की क्या जरूरत है? कोई प्रॉब्लम? नहीं रोहेल भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो आजकल शामिर काफी डिस्टर्ब चल रहा है ना, इसलिए पूछ रहा था मैं। शादी तो मेरी और आनिया की होनी है, शामिर ने क्या करना है उसमें? तो आनिया मान गई? भाभी, उम्र मिना से रिश्ते में बड़ी है आनिया भाभी। तुम ही ने सर चढ़ा रखा है, वरना भाभी क्या है आनिया क्या है, तुम ही ने सर चढ़ा रखा। लेकिन इंसान को खुद भी एहसास होता है। अरे भाई बच्चों, क्या हो गया तुम दोनों को? भाई इमाद और आनिया ये हम उम्र हैं, बचपन में एक साथ खेले हैं, दोस्त हैं, नाम ही लेगा ना, और क्या करेगा बेटा? नहीं बाबा, मैं डिसएग्री करूंगा आपसे। रिश्तों को अगर उनका मकाम ना दिया जाए तो बिगाड़ पैदा होता है। ठीक कह रहा हूँ। ठीक है बेटे इमाद, आइंदा से आनिया को भाभी कहते हैं, ठीक है? वैसे ये क्या डिस्कशन शुरू हो गई? खाना शुरू कीजिए प्लीज। भाभी है, आनिया है, आना तो हमारे घर ही है। खाना ले लीजिए। जी मैम।